जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वीवो ने इस साल भारत में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले X21 और ऑल स्क्रीन वाले नेक्स्ट को लॉन्च किया था। इन स्मार्टफोन्स को लेकर कंपनी ने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वाहवाही जटोरी थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी अपने देश में एक और फोन लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, हाल ही में वीवो ने 6 दिसंबर को होने वाले एक इवेंट के लिए मीडिया इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है। भारत में होने वाले इस इवेंट में V11 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले की पूरी उम्मीद की जा रही है। अब जल्द ही अनाउंसमेंट भी होने की उम्मीद है। V11 को ऑनलाइन देखा गया है, तस्वीरें में कुछ ऐसी जाहिर हुई हैं कि फीचर्स की भी कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आ रही है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि वीवो V11 की कुछ तस्वीरें भी शेयर करी गई हैं। वहीं लीक हुई तस्वीर से पता चलता है कि स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, जो ओप्पो के आज यानी 21 अगस्त को लॉन्च किए गए F9 प्रो स्मार्टफोन्स में भी देखे गए हैं। V11 तस्वीरों में एक ग्लॉसी बैक पैनल के साथ भी दिखता है, जिसमें ड्यूअल टोन पेन दिखाया गया है। स्मार्टफोन के सामने और स्क्रीन है, बैक में ड्यूअल कैमरा सेटअप को छोड़कर कोई हार्डवेयर नहीं है। इससे ये अंदाजा आराम से लगा सकते हैं कि वीवो V11 एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। 91 मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि इस डिवाइस में 6.41 इंच FSD प्लस डिस्प्ले है, 19.5:9 का एक्सेप्ट रेशियो है। इसके अलावा इसमें वी शेप नोच भी होगा। डिवाइस में कॉलोगॉम स्नैपड्रैगन 660 SoC, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज होगी। फोन के स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। फोन के बैक पर 12 MB प्लस 5 MB का डुअल कैमरा सेटअप होगा, जबकि सेल्फी के लिए फोन में 25 MB का कैमरा दिया गया है। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।